हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंजॉय लाइफ विद कुकिंग। आज हम बनाएंगे अंडा बिरयानी, वो भी हम बनाएंगे कुकर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुकर में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, उसमें अब हम सब खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज पत्ता, इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर, उन्हें ऑयल में एक बार फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, और एक बड़ा प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करेंगे। ये देखिए, ये प्याज अब कुक हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और इसे भी हम प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा टमाटर बारीक कट करके ऐड करेंगे। टमाटर को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने 8 अंडों को बॉईल कर लिया है, और उसे अब हम टूथपिक की मदद से इस तरह से पिक करेंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इन्हें अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर भी अब अच्छे से गल चुका है, इसमें अब हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देन इसमें हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, गरम मसाला पाउडर। ये सब हमें अपने स्वाद के अनुसार लेना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। एक पैन में मैंने अब 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें मैरिनेट किए हुए अंडों को ऐड कर देंगे। अंडों को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखिए, ये अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और ये मसाला भी अब कुक हो गया है। इसमें मैंने कोरिएंडर ऐड किया है, और थोड़े से पुदीना के पत्ते मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड किए हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम इसमें 5 से 6 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा ऑयल छूटने तक इसे कुक करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड की है, जो मैं पहले भूल गई थी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्राई किए हुए अंडों को ऐड कर देंगे। कुछ अंडों को मैंने बीच में से कट किया है, और कुछ अंडे मैंने पूरे ही ऐड किए हैं। इन्हें अब हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ किया है। चावल को मैंने सिर्फ धो लिया है 2-3 पानी से। चावल को भी हम अच्छे से हल्के हाथों से इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 बॉल चावल यूज़ किया है, तो उसी बॉल के हिसाब से मैं इसमें 3 बॉल पानी ऐड करूंगी।
इसमें अब हम अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और उसी के साथ हम इसमें फ्राइड ऑनियन भी ऐड कर देंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसकी 3 सीटियाँ करेंगे। 3 सीटियों के बाद कुकर को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसका ढक्कन निकालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। इसे अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।